हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सरकार एग्ज़ाम में फ्रेंड्स स्वागत है। फ्रेंड्स, जिसमें NM UP SSSC का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, एक प्रसव पश्चात महिला जिसकी प्रसव क्रिया 32 घंटे हो और मेम्ब्रेन झिल्ली फटे हुए 24 घंटे हो गए हों, निम्न में कौन सी स्थिति महिला की होगी। फ्रेंड्स, इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन दिए हैं, जो कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है। फ्रेंड्स, तो इससे पूछा है ना, इसका ए है एंडोमेट्रियोसिस, बी है एंडोमेट्रियोसिस, सी है पेल्विक थ्रोम्बोफेबाइटिस, डी है सेल्पिंजाइटिस। फ्रेंड्स, इसका आंसर जिन्होंने बी बताया सही है, एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पूर्ण अवधि के बेबी प्लेसेंटा का वजन कितना होता है। ए है A1:2, B1:4, C1:6, D1:8। फ्रेंड्स, जिन्होंने इसका आंसर सी बताया 1:6, उनका सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिनाल जुड़ी होती है। ए है फीटस सरफेस ऑफ प्लेसेंटा से, बी है मैटरनिक सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, सी है सरफेस के मध्य के पास, और डी है बी और सी। उन्होंने डी बताया सही है, बी और सी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसव शुरू कराने की विधि इनमें से है, ए आ प्राकृतिक रूप से मेम्ब्रेन, बी ए मेथर्जिन, सी ऑक्सीटोशिन, डी ए प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रेंड, जिन्होंने इसका आंसर बी बताया मेथर्जिन, उनका सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैटरनल अल्फा फिटोप्रोटीन इसका निम्न में से कौन सी स्थिति भ्रूण की होगी। ए है मेनिनगोसील, बी है मेनिनगो मायोसील, सी है दोनों ए और बी, डी है डाउन सिंड्रोम। फ्रेंड्स, इसका आंसर जिन्होंने डी बताया डाउन सिंड्रोम, उनका सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, 26वें सप्ताह में महिला को कब्ज होने पर नर्स द्वारा क्या निर्देश दिए जाते हैं। ए है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर भोजन खाना और दिन भर में 6 गिलास पानी पीने की सलाह देना। बी है उसे पेट खाली करने को कहना क्योंकि कब्ज संकुचन का कारण हो सकता है। सी है उसे हल्का लैक्सिटिव लेने को कहना। डी है उसे मल को नरम करने की दवा लेने की सलाह देना। जिन्होंने इसका आंसर ए बताया, उनका सही है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर भोजन खाना और दिन भर में 6 गिलास पानी पीने की सलाह देना। 7th पॉइंट है, लेनिनिया नाइग्रा है। ए है ब्राउन काली दानेदार एरिया नाबिनाल और सिम्फाइसिस पीबी के मध्य में होती है। बी है ब्राउन कालीदान एरिया जो जिलिस्टर्नम से सिम्फाइसिस पीबीस के मध्य में होती है। सी है ब्राउन काले दानेदार एरिया नाबिनाल से जांघ के मध्य में होती है। डी है हल्की दबी हुई लाइन या दाग पेट की दीवार पर। फ्रेंड, इसका जिन्होंने बी ए आंसर दिया है, ये फ्रेंड। 8th पॉइंट्स है, गर्भावस्था के 28 सप्ताह के मध्य के बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पहले वेजनल ब्लीडिंग को क्या कहते हैं। फ्रेंड, जिन्होंने इसका आंसर ए बताया, APH एंटीपार्टम हेमरेज, वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भावस्था में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम कहलाती है क्या। ए है डेसिडुआ, बी है ट्रोफोब्लास्ट, सी है एमनियन, डी है कॉर्नियन। फ्रेंड्स, ये लगभग काफ़ी बच्चों का ये आंसर सही होगा। फ्रेंड, जिन्होंने इसका आंसर ए दिया है, वो सही है, डेसिडुआ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन होता है। ए है ओवरी में, बी है फैलोपियन ट्यूब में, सी है गर्भाशय में, और डी है सर्विक्स में।
इसका आंसर बी दिया है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अगर वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।